अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। जी हाँ, ओल्ड इज गोल्ड रोमांटिक सॉन्ग है ये, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसको। इसमें हम गाएंगे, गुनगुनाएंगे, थोड़ा इसका वर्णन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुरेखा पाटिल आर्ट में। गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और प्रसन्न रहिए। जिनके तार दोस्तों कहीं ना कहीं संगीत से जुड़े रहते हैं ना, इसीलिए वो सदा गुनगुनाते रहते हैं। चाहे गाना हो चाहे वाद्य हो, तो जो भी एक अंदर से आता है ना, इसीलिए कहते हैं गुनगुनाते रहिए। कुछ होते हैं बाथरूम सिंगर, बाथरूम सिंगर से ही तो फिर वो कला बाहर निकलती है। बस अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, गाते रहिए अपनी प्रसन्नता के लिए। चलिए तो फिर शुरू करें। दो कलाकारों ने इस फिल्म से डेब्यू किया था, फिल्म का नाम भी बताते हैं, इसे किसने गाया है वो भी बताएंगे हम आपको, और गीतकार संगीतकार कौन है ये भी बताएंगे। चलिए पहले इसको स्टार्ट करती हूँ मैं, और इसके दो अंतरा को लेंगे हम और उसका थोड़ा बहुत वर्णन करेंगे। जैसे सबसे पहले मुखड़े में ही इसके अंदर है कि अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। अब झरोखा क्या होता है? आँखों की खिड़कियाँ, झरोखे में से नहीं हम लोग झांक कर देखते हैं। तो अखियों के झरोखों से देखा था खूबसूरत पलकों ने हमारी, जिसको हम झरोखा बना दिए पलकों को, और खिड़कियाँ बोल सकते हैं हम, जिसमें से झांका जा सकता है हमको। पुकार थी बिना किसी आवाज़ की, और सुन ली हमने दिल की गहराइयों से। बंद करके झरों को उसको जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए। जब मैं अपना झरोखा भी बंद कर लेती हूँ, तभी भी मैं तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ, और अच्छा सोच रही हूँ कि मन में भी तुम मुस्कुरा रहे हो। तो ये फिल्म की कहानी ऐसी है, इसीलिए गाना भी ऐसा लिखा गया है। चलिए आपको बता देती हूँ, गीतकार और संगीतकार इसमें दोनों ही रविंद्र जैन जी हैं, जिनकी तो आपने सुना होगा, जिनकी तो आंखें ही नहीं है बचपन से, लेकिन देखिए आंखों के ऊपर कितना सुंदर गीत लिखा है उन्होंने। तो इसे गाते हुए स्टार्ट करती हूँ मैं मुखड़े को। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए। ये हो गया अंतरा, ये मुखड़ा हो गया। अब हम पहला अंतरा लेते हैं इसका। एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। तो क्या कह रही है हमारी हीरोइन साहिबा कि एक मन था मेरे पास वो भी अब खोने लगा है। तो दोस्तों मन तो एक ही होता है ना, तो जिसके ऊपर प्यार आ जाए तो हमको लगता है वो हमारे बस में ही नहीं है, इसीलिए कह रही है कि वो भी अब खोने लगा है, और तुझे पाकर मुझे कुछ होने लगा है। मतलब इनकी तरफ का जो लव शव है वो भी
एकदम 100% है, मेड फॉर ईच अदर वाला कहते हैं ना उस तरह से। और एक तेरे भरोसे पे बैठी हूँ सब भूल के, आप स्टोरी में जाइएगा तो आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी इस फिल्म की, कि ये वर्ड यहाँ पर क्यों यूज हुआ है। और यूं ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए, तो ये इनकी ऐसी इच्छा है, देखते हैं वो गुजरती है या नहीं पूरी तरह से। इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी दोस्तों। चलो सेकंड रन करा लेते हैं। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन दिन रात दुआ मांगे, मेरा मन तेरे वास्ते, कभी अपनी उम्मीदों का कहीं फूल ना मुरझाए। कह रही है वो उनका कितना एक दूसरे के पर कितना भरोसा है, और कितना मुझे इस लाइनों से लग रहा है ऐसा कि कितना ट्रू लव है इनका। कह रही है कि जीती हूँ तुम्हें देख के और तुम्हें ही देख के मरती भी हूँ, तुम हो जहाँ साजन मेरी दुनिया वहीं पर है, मतलब मैं तुमको छोड़कर कुछ और सोच ही नहीं सकती। तो पूरी तरह से हीरोइन हीरो के ऊपर समर्पित है। दिन रात दुआ मांगे, मेरा मन तेरे वास्ते, कभी अपनी उम्मीदों का कोई फूल ना मुरझाए। थोड़ा सा उनको खटक भी रहा है कि सब ये हैप्पी हैप्पी चलेगा या नहीं चलेगा, है ना। फिर से मुखड़े के ऊपर आ जाते हैं और गाने का दी एंड करते हैं। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए कहीं दूर नजर आए। तो दोस्तों ये प्यारा सा गाना गाया था हेमलता जी ने, और रविंद्र जैन जी ने इसका गीत और संगीत दोनों दिया है। फिल्म तो है ही अखियों के झरोखों से। और जो दो कलाकारों ने डेब्यू किया था वो है सचिन, और साथ में एक और हमारी हीरोइन है रंजीता, जिनका नाम है। टाटा बाय बाय दोस्तों, फिल्म मिलते हैं और किसी एक नए गीत के साथ में। चलिए बाय बाय।